बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की सात बड़ी फिल्में जो हमें 2023 में देखने को मिलेंगी। नंबर एक गदर 2। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं अनिल शर्मा। इन्होंने 2001 में गदर को डायरेक्शन देकर 10 करोड़ टिकट बेचकर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। यह फिल्म उसी का सिक्वल होने वाली है। इसके मेन लीड में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा जो कि ये बड़े हो चुके हैं। हाल फिलहाल में गदर को री रिलीज किया गया है, जहां पर गदर 2 का टीजर भी दिखाया गया है। फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद इसमें 17 साल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, यानी 1971 में क्या हुआ पाकिस्तान में और कैसे तारा सिंह का बेटा पाकिस्तान गया, तारा सिंह उसे कैसे बचा कर लाएंगे, यानी तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जाएगा। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। नंबर 2 पर है बाप, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं विवेक चौहान। इसके मेन लीड में सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं, यानी कि काफ़ी सारे एक्टर नज़र आने वाले हैं जो 1920 के दशक के बड़े एक्टर रहे हैं। सनी देओल एज अर्जुन के रोल में नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म को 2023 में री रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है सूर्या। सूर्या एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में सनी देओल, चित्रांगना, रवि किशन नजर आएंगे। यह फिल्म ऑफिशियल रीमेक है मलयालम इंडस्ट्री की। इस फिल्म को भी 2023 में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 पर मूवी है लाहौर 1947, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं राजकुमार संतोषी, जो कि दामनी, घायल और घातक जैसी बेहतरीन फिल्मों को बना चुके हैं। सनी देओल के साथ इस फिल्म में कहानी दिखाई जाएगी पार्टीशन के दौरान की। इस फिल्म को 2024 तक रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 पर है अपने 2। अपने 2 एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं अनिल शर्मा, जिन्होंने 2007 में अपने को दी थी। यह फिल्म उसी का ऑफिशियल सिक्वल होने वाली है। इस फिल्म में सनी देओल की फैमिली दिखाई देने वाली है। यह फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। नंबर 6 पर एक अनटाइटल्ड फिल्म है, जो कि एक क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसके लीड रोल में सनी देओल, श्रुति हसन नज़र आने वाले हैं, जहां सनी देओल, श्रुति हसन बाप बेटी का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। यह फिल्म आपको 2024 में सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पर मूवी है बॉर्डर 2, जो कि वॉर एक्शन फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन जेपी दत्ता ही देंगे। इस फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हो पाया है। जेपी दत्ता ने हाल फिलहाल यानी 2024 तक ये फिल्म आ सकती है। सनी देओल की कौन सी फिल्म का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।